जेम्स स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च हुए कुछ ही महीने हुए हैं और उसने इन चंद महीनों में साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जब से ये टेलीस्कोप स्पेस में गया है तब से इसने बहुत ही कमाल की तस्वीरें हमें भेजी हैं, जिन पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। और आज की इस वीडियो में हम जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई नई तस्वीरों की बात करेंगे, जिनको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं इस तस्वीर की। ये एक बहुत ही खूबसूरत हॉर्ड क्लास की तस्वीर है, जिसके दरमियान में यंग स्टार्स बन रहे हैं। इसके बारे में बहुत ही हैरानकुन बात ये है कि ये तस्वीर सिर्फ इंफ्रारेड लाइट में नजर आती है। इस तस्वीर में यंग स्टार्स नजर आ रहे हैं, उनको L1527 कहा गया है। ये स्टार हमसे 430 लाइट ईयर दूर टॉरस मॉलिक्यूलर क्लॉट में मौजूद है। इसको देखकर ये भी पता चलता है कि आज से 4.5 साल पहले हमारा सूरज कैसा दिखाई देता था, क्योंकि इस तस्वीर में किसी स्टार की फॉर्मेशन हो रही है। ये स्टार बहुत ज्यादा रोटेटिंग गैस में छुपा हुआ है। इसमें से कुछ गैस इन स्टार से निकल रही है और फिर स्टार के करीब मौजूद मैटर से टकरा कर मजीद गैस खारिज होती है। साइंसदानों ने बहुत से एंगल से तस्वीरें खींची है। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें, इसमें कई रंगों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके ये रंग इसकी डेंसिटी की वजह से बन रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो लो डेंसिटी को शो कर रहा है, जबकि ऑरेंज लाइट ज्यादा डेंसिटी को शो कर रही है। और इस तस्वीर के दरमियान जो डिस्क नजर आ रही है वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है। इस पूरी डिस्क का साइज हमारे सोलर सिस्टम के जितना है। यहाँ पर दरमियान में जो स्टार नजर आ रहा है, स्टार में अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, यहाँ पर जितनी भी डस्ट है वो हट जाएगी और प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क साफ होकर सामने आ जाएगी। ये ऐसा स्टार है जो हमारी स्पिन के बहुत ज्यादा करीब डिस्कवर हुआ है। लेकिन यहाँ पर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक और भी डिस्कवरी की है, जो अरबों लाइट ईयर दूर है। ये डिस्कवरी एक रेड जायंट स्टार की है। ये स्टार बीटलजूस स्टार की तरह का एक रेड जायंट स्टार है। हमारा सूरज भी अगले कुछ अरब सालों के बाद बिल्कुल इस तरह का रेड जायंट स्टार बन जाएगा। जो स्टार अभी साइंसदानों ने डिस्कवर किया है, उन्होंने उसका नाम क्यूलर रखा है। स्टार का मास 740 सोलर मासिस के दरमियान है। साइंसदान का कहना है कि ऐसे स्टार को डिस्कवर करना बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि ऐसे स्टार कायनात में बहुत कम पाए जाते हैं। ये बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। ये स्टार कायनात में उस वक्त बना था जिस वक्त हमारी कायनात में स्टार्स के बनने का अमल शुरू हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि ये स्टार कायनात के बनने के 3.1 बिलियन साल के बाद बना हो। अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो ये कायनात में बनने वाला सबसे पहला स्टार नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले आइकोरस के नाम से एक स्टार डिस्कवर हुआ था, जिसने कायनात में अब तक सबसे पहले बनने वाले स्टार का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इसके बाद एक स्टार ने इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो स्टार है आर्नडेल, जिसको जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ही डिस्कवर किया है। ये स्टार तब से मौजूद है जब कायनात सिर्फ 900 मिलियन साल पुरानी थी और इस स्टार की लाइट 13 अरब सालों से ट्रेवल करती हुई हम तक पहुंची है। इसके अलावा जो स्टार डिस्कवर हुए हैं वो बहुत ज्यादा मैसिव और ब्लू स्टार हैं। इसीलिए हम उन स्टार्स को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है, इसीलिए इसको देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस स्टार को स्टडी करके साइंसदान ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त बनने वाले स्टार्स आज बनने वाले स्टार से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने और बहुत सी गैलेक्सीज को भी डिस्कवर किया है। ये गैलेक्सी जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको 2012 में हबल टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था और ये इस वक्त मिलने वाली सबसे दूर वाली गैलेक्सी थी। इसकी रेडशिफ्ट 11 है। जिन साइंसदानों ने इसको डिस्कवर किया था वो अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उस गैलेक्सी में क्या हो रहा है। ये गैलेक्सी अपने रेड और ऑरेंज कलर की वजह से बाकी सारी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। साइंसदान का कहना है कि इस तरह के कलर इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर से ये बात वाजिया हो गई है कि इस इलाके में वाकई में कुछ हो रहा है। इस गैलेक्सी को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 3 मुख्तलिफ एंगल से कैप्चर किया है। जब इस गैलेक्सी को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीर में देखा गया तो पता चला कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। एक ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है जो एक एक्टिव गैलेक्सी है जिसमें बहुत से यंग स्टार्स बन रहे हैं। एक और एंगल से देखने पर पता चलता है कि ये 2 चीजें हैं और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। यहाँ पर असल में हो क्या रहा है ये अभी ठीक से पता नहीं चल सका।
क्योंकि यह तस्वीर क्लियर नहीं है। इसके अलावा जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से एक और ऑब्जर्वेशन भी की गई। ये ऑब्जर्वेशन भी एक गैलेक्सी की है। ये गैलेक्सी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने अपने पहले ऑपरेशन में डिस्कवर की थी। ये दो गैलेक्सीज हैं जिनकी रेडशिफ्ट 10 से 12.5 है और ये अब तक डिस्कवर होने वाली सबसे दूर वाली गैलेक्सी समझी जाती है। इसको क्लास C12 कहा गया है। ये गैलेक्सी उस वक्त बनी थी जब कायनात सिर्फ 350 बिलियन साल पुरानी थी। ये गैलेक्सी आज बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसकी शेप एक डिस्क की तरह की है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत छोटी है। इसका साइज मिल्की वे गैलेक्सी के साइज के कुछ परसेंट है। ये बहुत तेजी के साथ पढ़ने वाले गैलेक्सीज में से एक है। जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने मिड इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्वेशन की तो उसने बहुत सारी और भी गैलेक्सीज को डिस्कवर किया। ये सारी गैलेक्सीज उस वक्त बनी थी जब कायनात सिर्फ 1 अरब साल पुरानी थी। इनमें से कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनको पहले कभी नहीं देखा गया। साइंसदानों का कहना है कि ये गैलेक्सीज उस टाइम पीरियड में बनी थी जिसके बारे में हमेशा से वो जानना चाहते थे। ये वो टाइम पीरियड है जब कायनात में स्टार्स और गैलेक्सीज के बनने का अमल शुरू हुआ था और इसे डार्क एज पीरियड कहा जाता है। इसका ये मतलब है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मिरर इंफ्रारेड ने हमारे लिए चीजों को देखने और इन्वेस्टिगेट करने का एक बिल्कुल ही नया रास्ता खोल दिया है। इसके बाद एक और डिस्कवरी भी हुई है जो हमारे करीबी मौजूद एक गैलेक्सी से की गई है। ये बहुत ही दिलचस्प डिस्कवरी है। इसको वुल्फ 1 मार्क मिलवुड कहा जाता है। ये एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो हमारी स्पेस से 3 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कुछ ही फासले पर है। इसके बारे में खास बात ये है कि जिस रीजन में ये गैलेक्सी मौजूद है वहाँ पर और कुछ भी मौजूद नहीं है। इस गैलेक्सी के बारे में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन से एक बहुत दिलचस्प बात सामने आ गई है। वो बात ये है कि इस गैलेक्सी ने आज तक किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट नहीं किया। यहाँ पर आज तक किसी भी किस्म का कोई भी क्लोजर नहीं हुआ और ना ही इसके करीब कोई और गैलेक्सी मौजूद है। ये खुद ही अपने आप को मुकम्मल कर लेती है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इस रीजन को बहुत ही डिटेल से स्टडी किया है। यहाँ पर मौजूद गैस स्टार्स और कंपोजिशन को भी समझा है। इस गैलेक्सी को स्टडी करने से पता चला है कि यहाँ पर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से हैवी हैं। ये कहा गया है कि यहाँ पर बहुत साल पहले जब सुपरनोवा हुआ था तो उसके नतीजे में गैलेक्सी की सारी गैस यहाँ से निकल गई थी। जब ये गैस यहाँ से निकली थी तो उसके हैवी एलिमेंट्स भी इंटरस्टेलर स्पेस में चले गए थे। साइंसदान इस प्रोसेस को गैलेक्टिक विंड का नाम देते हैं। ये प्रोसेस उन्होंने आज से पहले किसी भी गैलेक्सी में ऑब्जर्व नहीं किया। यहाँ पर जितने भी स्टार्स मौजूद हैं उनका मास बहुत कम है। इन गैलेक्सी से आने वाली लाइट को देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ पर मौजूद ये स्टार्स बहुत पुराने हैं। ये बिलियन सालों से यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि इस गैलेक्सी का किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन नहीं है। इसीलिए ये साइंसदानों को गैलेक्टिक एवोल्यूशन और स्टार एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने में मदद करेगी। ये थी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से की गई नई डिस्कवरीज। आपको इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ।